सो वेलकम बैक, वेलकम न्यू यूट्यूब चैनल्स। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डी के इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेज। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अभी डिवाइस खोला हुआ है, फाइबर राउटर है, फाइबर राउटर जो इथरनेट अभी नेट वगैरह चल रहा है इसके ऊपर। ये इसमें काफ़ी कमेंट आ रही थी रेड जो ग्रीन लाइट के ऊपर, सो मैंने इसकी जो है काफ़ी रिपेयरिंग की हुई है डेड कंडीशन के ऊपर। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से वो डेड जो डिवाइस होते हैं वो रिपेयर किए जाते हैं। और इसी के ये अभी जो वीडियो बना रहा है इस पर भी आपको कुछ हिंट दे दूंगा जिसकी मदद से आप जो रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हैं इस कंडीशन में डिवाइस मेरे पास आए और ये वाला बोर्ड है, ठीक है। सो बोर्ड का वर्जन आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HG82 और आगे लिखा हुआ, ये रूट उकड़ नहीं रही। खैर इसको हमें हिलाते नहीं है क्योंकि ये शीशे वाली तार है, जो टूट जाएगी फिर मसला हो जाएगा मान लिए। और इसमें जो प्रॉब्लम ये आ रही है देखते हैं दोस्तों, पावर ऑन का मसला है, ठीक है। और कुछ लाइट जल नहीं रही, बाकी सब पावर वाली इसकी ऑन हो रही है मगर। और इसका जो डिवाइस वर्जन है वो जियोफोन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जियोफोन इकोलिंग H8540M है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिपेयर करूंगा और इसके अंदर बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर डस्ट भी बहुत है। पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ पेट्रोल से। अगर आपके पास पेट्रोल वगैरह है तो पहले पेट्रोल से कर लें, नहीं तो आप सर्फ से भी कर सकते हैं, सर्फ वाले पानी से। और कोई जो गैजेट वगैरह है सफाई के लिए जो केमिकल वगैरह मिलता है मार्केट से स्विमिंग बोर्ड को साफ़ करने के लिए, अगर आपके पास वो है तो उससे भी साफ़ कर लीजिए, कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। पहले मैं साफ़ कर लूँगा, इसके बाद मैं इसको रिपेयर करूँगा। तो एक बात और मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी जो डिवाइस मैंने रिपेयर किए हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप देख सकते हैं उसको जो है मक्खी चिपे जली हुई होती हैं। तो मैंने वो मक्खी चिपे के अंदर जो सर्किट लगाए हुए हैं वो आपको पता ही होगा, ये जो मक्खी चिपे हैं वो मार्केट से अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट पर। और यहाँ पर एक दूसरा मोटरसाइकिल लगता है, वो मैंने लगा कर चेक कर दिखाया है आप दोस्तों को वीडियो के थ्रू, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लगता है और किस तरीके से उस डिवाइस को ऑन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन मक्खी इसमें लगी हुई हैं, बल्कि चार मक्खी लगी हुई हैं। एक मक्खी जो है दूसरे टाइप की है, ये मक्खी ये दूसरे टाइप की है, ये 5 वोल्ट आउटपुट करती है, यहाँ से इनपुट भी 5 वोल्ट करती है, आउटपुट भी 5 वोल्ट करती है, जो सिर्फ USB को ऑन करती है, ठीक है। सो ये मक्खी ऐसी इसका इशू नहीं होता कभी, ये यूज़ होती ही नहीं। तो एक मक्खी ये, एक मक्खी ये और एक मक्खी ये दो ऐसी हैं चार चार आठ रंग वाली, ये ज़्यादातर ख़राब होती हैं तो इसका मसला होता है, ठीक है। तो अभी जो ये डिवाइस है इसके ऊपर क्या मसला है तो चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको पहले क्लीन करना है, ठीक है। सो फाइनली हमने इसको क्लीन कर लिया है, ठीक है। अभी मैं इसके वोल्ट चेक कराऊँगा, इसको इसके जो वोल्ट हैं क्या क्या वोल्ट इसके बन रहे हैं और किस में मसला है वो भी इसी वीडियो की मदद से चेक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो इशू होता है ज़्यादातर वो वोल्ट का होता है, कहीं रेस्टोरेंट जल जाती है, कहीं कंपोनेंट कोई मसला हो जाता है तो वोल्ट इधर उधर नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो फॉल्ट बताते हैं। तो इसमें क्या मसला है वो भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखना। तो मोबाइल को मैं स्टैंड पर लगा लेता हूँ, ठीक हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको वोल्ट चेक कराने लगा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया है और मीटर को भी मैंने साइड रख दिया है तो जगह थोड़ी कम है। तो अभी मैं आपको वोल्ट चेक करा देता हूँ, फिर मैं एक सुई भी ले लूँ ताकि हमें सही से पता भी चले कहाँ कहाँ मैं वोल्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो एक वायर जैसे इसकी ग्राउंड में लगानी है, एक वायर इसको यहाँ पर लगानी है। सो यहाँ पर उसके वोल्ट जो है चेक होंगे, एक मिनट ग्राउंड काम नहीं कर रहा, बत्ती जल्दी है, बत्ती जल्दी है, मीटर काम नहीं कर रहा, सर यहाँ पर ही ग्राम काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये मक्खी जो चिपे यहाँ पर ये 5 वोल्ट बना रही है, ठीक है। और ये मक्खी चिप जो है कितनी बना रही है, 3.2 वोल्ट बना रही है, 3.3 वोल्ट बना रही है। तो ये भी सही है, दोनों ये दोनों सही है। और लास्ट वाले हम चेक कर लेते हैं उसका क्या में बन रहा है वोल्ट के नहीं। सो लास्ट वाली जो है दोस्तों यहाँ पर ये वोल्ट नहीं बना रही, हाँ ये वोल्ट जो है नहीं बना रही। तो फिलहाल जो इशू है वो इस मक्खी का लग रहा है हमें, तो मैं इस मक्खी को जो है
इस मक्खी को मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज करके फिर फॉल्ट का मसला चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं सुई लगा रहा हूँ, थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है। यहाँ पर मैं जैसे सुई लगा रहा हूँ थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है, पता नहीं क्यों ये शार्टेज है या नहीं। पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ और इसकी शार्टेज चेक करता हूँ कि ये शार्ट तो नहीं कहीं। तो हाँ दोस्तों, ये शार्टेज बता रहा है कहाँ से। तो अभी मैं इसको शार्टेज चेक करने के लिए कैसे इसकी शार्टेज ख़त्म करें वो भी चेक करते हैं। तो इसका 1.1 वोल्ट जो है शार्ट बता रहा है। तो पहले मैं इसका पीएफ जो है दोनों निकाल लेता हूँ, शायद पीएफ ख़राब हो जाते हैं इसके कभी कभी। ठीक है, तो मैंने दोनों पीएफ इसके निकाल लिए हैं यहाँ पर। और अभी मैं इसकी फिर से शार्टेज चेक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है शार्टेज इसकी जो है अभी ख़त्म हो गई है मेरे ख्याल से, ठीक है। और मैं इसको चेक करता हूँ वोल्ट इसके, एक मिनट में इसको 20 पर रख लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखें दोस्तों, इसके 1.5 वोल्ट बनना शुरू हो गए हैं, ठीक। 1.5 वोल्ट बनना शुरू हो गए हैं। और अभी हम इसको चेक करते हैं इसकी एलईडी वगैरह दोस्तों चलती हैं कि नहीं, ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, लॉस वाली बत्ती भी इसकी एलईडी ऑन हो गई है, ठीक है। तो इसका जो इशू था वो 1.5 का था, 1.5 जो है थी शार्ट हो गई थी। तो उसके जो शार्ट थे पीएफ वगैरह शार्ट थे, यहाँ पर देखें दोस्तों यूएसबी लाइट भी जल गई और ये जो उसका पीएफ है गिर गया, ये जो उसका पीएफ है ये शार्ट हो गया था। तो इसकी वजह से ये शार्ट ही बता रही थी, ठीक है। देखो यहाँ हो चुका है बिल्कुल। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल सस्ता साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो इसका इशू जो था वो वोल्टो का था। अगर आपके पास भी ऐसा मसला आ जाता है तो आप वो इसको चेक करके फिर आप जो है बनाने की कोशिश करें। सो मैकेनिक वो होता है जो ज़्यादातर वोल्ट की जानकारी रखता है, तो वोल्ट की जानकारी लाजमी रखनी है कि वोल्ट कितने कितने कहाँ पर कहाँ आना चाहिए, कितने कितने कहाँ पर आ रहे हैं, वो सारा कुछ चेक करने के बाद हमें जो पता चलता है कि किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो लाजमी बात है जब इतने वोल्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर वो सही से नहीं आ रहे होंगे तो कुछ ना कुछ मसला करता होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है 1.5 का मसला था, तो जो वोल्ट 5 वोल्ट जो है मसले कर रहा था, तो उसको मैंने सेट किया। इसका जो पीएफ ख़राब था तो मैंने वो सेट कर दिया, अभी ये ओके हो गया, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों। अभी ये लॉस वगैरह जो बता रहा है वो वैसे इसके कनेक्शन के हैं, ठीक है।